हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मेरे चैनल क्रिएटिव रीना आप सबको स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत खूबसूरत एक तोरण का डिज़ाइन लाई हूँ। ये इतना आसान है, बहुत आसान है फ्रेंड्स, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से इसको आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें बहुत सारा कलर इस्तेमाल किया है। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइएगा मेरे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं। और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नया नया डिज़ाइन लाने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको शुरू करते हैं। लेकिन ये बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है और कोई भी इसको आराम से बना सकते हैं। जिस तरीके से मैं बताई हूँ उसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत आसानी से आप बना लेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम 16 चेन ले लेंगे। पहले हम मेरून कलर लेके ऊपर का पार्ट हम बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 16 16 चेन ले लिया, देखिए। और इसके ऊपर धागा चढ़ा लिया। और फास्ट का जो चेन है, देखिए, ये देखिएगा आपको, ये वाला जो चेन है इसी पे हम इस तरह से, तो हमारा 1 2 डबल क्रोशिया, फिर सेकेंड चेन में 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से पूरा ये लाइन को हम इसको बना लेंगे 1 डबल क्रोशिया, हर एक चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और लास्ट का यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया। तो हमारा टोटल देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमारा ये 16 डबल क्रोशिया हो गया। फिर 1 2 3 यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे सिंगल सिंगल करके, 4 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर 1 2 चेन, ये 1 2 3 छोड़ेंगे, यहाँ पे हम 4 जो चेन है यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन लिया, फिर इसी के अंदर से 1 डबल क्रोशिया हमने ये भी स्टिच किया। फिर 2 चेन और 1 2 3 4 छोड़ के 1 2 3 छोड़ दिया यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 लास्ट का जो है 4। तो इसी को हम रिपीट करेंगे, दोबारा जब आएंगे इसी को ही रिपीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी को हम रिपीट किया इस तरह से, देखिए कंप्लीट किया। और ये वाला हम लाइन बनाया 65 लाइन, ठीक है, 65 लाइन इसको हम बना के कंप्लीट कर लिया है। और देखिए यहाँ से हम छोड़ेंगे 20, ये वाला जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 छोड़ के यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम मेरून कलर जॉइंट करेंगे मेरून कलर से,
बनाएंगे। वन टू थ्री, इसी के अंदर फोर डबल क्रोशिया, फिर एक छोड़ के एक चेन डालेंगे। ये वाला डिजाइन, ये जो हम वी शेप बनाएंगे, ज़्यादातर सबको आते हैं, बहुत आसान डिजाइन है। तो फोर डबल क्रोशिया, फिर वन चेन, एक छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। देखिए इसको हम कंप्लीट करेंगे, जहाँ पे ये हमारा 20 लाइन छोड़ा, तो इस तरफ भी हम 20 लाइन छोड़ के बाकी का हम इस तरह से फोर डबल क्रोशिया, वन चेन, और यहाँ पे एक एक छोड़ देंगे। देखिए एक एक छोड़ के हम इसको कंप्लीट कर लें। देखिए यहाँ से भी हम 20 छोड़ लिया है। फिर यहाँ से देखिए ये वाला मेरा लाइन बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बना लिया है। इसके बाद हम चेन को हम स्किप कर लेंगे इस तरह से, स्लिप स्टिच, चेन के अंदर से इसको डाल लेंगे, और फिर हम बीच में आ जाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन लेंगे, और फिर इस तरह से फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन चेन डालेंगे हर एक गैप के अंदर, फोर डबल क्रोशिया, वन चेन, और इस वाले गैप में फोर डबल क्रोशिया। तो फ्रेंड्स इसको हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये वाला ऊन मेरा मोटा है, तो आपके आपका अगर ऊन थोड़ा सा बारीक होंगे तो यहाँ पे इस जगह पे टू चेन ले सकते हैं। इसको इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे, वन चेन, फिर फोर डबल क्रोशिया। दोबारा जब वापस आएंगे यहाँ से कम होते जाएंगे, तो इस तरह से घटते घटते हमारा ये कम हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये मैं इस तरह से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए यहाँ से हम धागा ज्वाइन किया, और यहाँ पे 5-5 चेन बना के ये पूरा राउंड यहाँ से पूरा कंप्लीट करेंगे इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 5, और ये वाला कोना पे जॉइंट कर देंगे, 1 2 3 4 5। इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसको इस तरह से कंप्लीट कर लिया, और येलो कलर हमने ज्वाइन किया। देखिए जहाँ पे हम मेरून कलर धागा ज्वाइन किया था, वहीं पे हम येलो कलर का धागा ज्वाइन कर दिया है। उसके बाद हम वन चेन लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे चेन के ऊपर, फिर यहाँ से 1 2 3 चेन लेंगे इस तरह से। देखिए 1 2 3 चेन, और इसी के अंदर से इस तरह से धागा को खींच लेंगे, फिर 1 2 3 ये वाला जो चेन है इसी के अंदर से इस तरह से बंद करेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया लिया, और ये 1 2 3 चेन लिया, और इसके अंदर से इस तरह से बंद कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। देखिए फिर दोबारा देखिए 1 2 3 चेन, फिर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और दोनों धागा था
तो वन हो जाएंगे, फिर वन टू थ्री, और फिर ये जो चेन है फर्स्ट का यहाँ पे हम ये जॉइन कर देंगे, फिर वन डबल क्रोशिया, फिर वन टू थ्री चेन, और यहाँ पे इस तरह से जॉइन कर देंगे, फिर वन डबल क्रोशिया, टोटल हमारा थ्री डबल क्रोशिया, फिर वन टू थ्री का चेन, और इस तरह से इसके अंदर से हम ये डाल लेंगे, हो गया। फिर एक चेन इस तरह से बना लेंगे और यहाँ पे इसको जॉइन कर देंगे, एक चेन नहीं डालने से क्या है बराबर ए आ जाएगा इस तरह से, देखिए इसे देखिए, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री चेन, और इसके अंदर से फिर जॉइन कर दें, फिर यहाँ से तो ये इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये वाला लाइन मैं कंप्लीट कर लिया इस तरह से, देख सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये वाला पार्ट हम आपको बताए थे, उसके बाद हम इस तरह का ऊन काट के टू टू मैंने मोती ग्रीन कलर का ऐड करके टोटल ये मैं फाइव, देखिए ये वाला जो है पोम पोम मैंने फाइव डाला है, और बीच में मेरून डाला है एक, और इस तरफ से भी फाइव, और यहाँ पे देखिए एक छोड़ के ये वाला छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने ये लटकन लगाया ये छोड़ दिया और यहाँ पे लगाया, तो एक एक छोड़ के हम यहाँ टोटल इधर फाइव और यहाँ पे वन, तो टोटल हमारा ग्यारह इलेवन ये बनाया, और ये वाला हिस्सा भी हम बनाए हैं, इस वाला हिस्सा को हम यहाँ पे बताएंगे कैसे बनाना है। ये वाला देखिए इस तरह से हम पीला कलर से बना लेंगे, यहाँ पे भी मैं ऊन कट के इस तरह से लगाया है, यहाँ पे भी मैंने ग्रीन कलर और वाइट कलर का मोती, और यहाँ पे देखिए हर कलर का मैंने थोड़ा थोड़ा ऊन से इसको फ्लावर्स बना, इसी फूल का कलर का यहाँ पे फ्लावर्स फोर फ्लावर्स मैंने ऐड किया है। तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पे आपको बताएंगे किस तरह से बनाना है, देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ से शुरुआत कर लेंगे, यहाँ से हमारा एंड हुआ तो यहाँ से शुरू कर लेंगे। यहाँ पे हम धागा जॉइन कर देंगे और इस तरह से पकड़ के थ्री चेन ले लेंगे, यहाँ पे हम फोर डबल क्रोशे बनाएंगे, इस तरह से मैंने बनाया देखिए, वन फिर टू फिर थ्री होगा, फिर फोर फिर फाइव, ऐसे घटते घटते जाएंगे। तो यहाँ पे वन चेन लिया और एक हम छोड़ देंगे, ये वाला लाइन छोड़ के दूसरे पे हम बनाएंगे फोर डबल क्रोशिया, फोर डबल क्रोशिया, फिर वन चेन, फिर एक छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे फोर डबल क्रोशिया, इस तरह से इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे।
तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हम कंप्लीट कर लिए वाला लाइन, फिर हम यहाँ पे वन चेन डालेंगे और देखिए बीच में हम इसको ले लेंगे धागा को, फिर वन टू थ्री चेन लेंगे और यहाँ पे भी फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे। टू हो गया, थ्री, ये फोर, फिर वन चेन, फिर इसके ऊपर फिर वन चेन और फोर डबल क्रोशिया। इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये वाला एक हम छोड़ दिया और यहाँ पे हमारा दो हो गया, तो फिर हम यहाँ पे धागा घुमा के स्लिप स्टिच ले लेंगे इस तरह, इसको भी बनाएंगे। नहीं फिर हम ये बीच में आ जाएंगे इस तरह से, यहाँ पे एक छोड़ दिया, फिर ये दो हो गए, स्लिप स्टिच लेके यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे थ्री। अगली बार जब आएंगे इसको छोड़ देंगे यहाँ से, तो इस तरह से देखिए इसको घटते घटाते इस तरह से बनाना है फ्रेंड। लाइन हमारा बराबर, ये वाला लाइन बराबर रहेंगे, यहाँ से घटते हुए जाएंगे इस तरह से। वन हो गया, टू हो गया, अभी थ्री बनेंगे। ओके, यहाँ पे वन टू थ्री चेन लेंगे और फिर से फोर डबल क्रोशिया। फिर वन चेन, फिर फोर डबल क्रोशिया। फ्रेंड्स ये वाला लाइन इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक इसको कम करते हुए बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हम पूरा कंप्लीट कर लिया इस तरह से, यहाँ तक हम बना लिया है। उसके बाद इसको घुमा लेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे यहाँ तक धागा को लाएंगे। फिर हम यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव इस कोने पे जॉइंट कर देंगे, फिर वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरह से इसको बना लेंगे। देखिए से धागा को यहाँ तक बांध लेंगे। देखिए यहाँ पे हम ग्रीन कलर का धागा जॉइंट कर दिया है, वन टू थ्री। यहाँ पे हम फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमें टोटल फाइव ये होना चाहिए, ये वन टू थ्री फोर फाइव, तो हमारे सिक्स डबल क्रोशिया। फिर टू चेन, अगले वाले चेन में टू डबल क्रोशिया, फिर टू चेन,
ये वाला लाइन में 6 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 6 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, टू चेन, फिर 6 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 6 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इस तरह से इसको बना। देखिए फिर यहाँ पे हम कोना पे 1 डबल क्रोशिया कर लिया, वापस हम एक चेन ले लिया, फिर 2 चेन, हर एक डबल क्रोशिया, ये चेन जो है चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, ओके, 1 2 3 4 5, टोटल हमारा 5 बन गया है। फिर हम क्या करेंगे, एक चेन लेंगे इस तरह से, फिर एक चेन अगले वाला यहाँ पे, 1 2 चेन, फिर 1 2 चेन, 1 2 1 डबल क्रोशिया, एक 2 चेन, फिर एक चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से देखिए। फिर देखिए एक चेन ले लेंगे और यहाँ पे ऐसे बांध लेंगे, फिर एक चेन और अगले वाले यहाँ पे चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन ले लेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसको कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे फिर एक चेन लेंगे और देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है इस पे हम इसको जॉइंट कर देंगे, ये हमारा ये जॉइंट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम ये देखिए यहाँ पे हम पिंक कलर, दोनों तरफ पिंक कलर और दोनों तरफ ब्लू और बीच में हम लाइट पिंक इस तरह से बनाया। तो हम यहाँ पे टोटल हमारा 5 फ्लावर्स बनेंगे। तो यहाँ पे हम डार्क पिंक ज्वाइन कर दिया है कि फ्लावर्स बनाएंगे, यहाँ पे 3 चेन लेंगे और यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फाइव डबल क्रोशिया। इसके बाद देखिए यहाँ से भी आप बना सकते हैं इस तरह से, इस तरह से, और फिर 2 चेन लेंगे, फिर 5 डबल क्रोशिया, थ्री हो गया, 4, ये 5। अब इसको आगे से पीछे से इस तरह से इस वाला चेन को पकड़ के ऐसे भी कर सकते हैं, फिर 2 चेन, फाइव डबल क्रोशिया, इस तरह से
वन टू चेन, फिर फाइव डबल क्रोशिया। आप आपके हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगे वही आप बनाएंगे। इस तरह से मैं दोनों तरफ से बना के दिखाए हैं कि टोटल ए वाला फाइव फ्लावर्स बने, वन टू थ्री फोर हो गए, ये फाइव, तो कि यहाँ पे फाइव डबल वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये थ्री हो गया, ये फोर फाइव, धागा को इसको बड़ा रखेंगे पीछे से, ये वाला जो चेन है लास्ट का इसको लेके इस तरह से फिर इसको एंड कर देंगे। ये इस तरह से फ्लावर्स बन गया है। और ये वाला जो धागा है ये हम इस तरह से इसको छुपा लेंगे यहाँ पे क्रोशिया के मदद से। इस तरह से ये सब फ्लावर्स भी हम बना लेंगे। आप चाहे तो एक ही कलर का फ्लावर्स बना सकते हैं, अगर आपके पास बच्चे बच्चे छोटे छोटे ऊन है तो आप हर कलर का भी बना सकते हैं। तो इसको हम और फोर फ्लावर्स कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये वाला फ्लावर्स को इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इस तरह का कट के में लगा के कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। और ये वाला जो फ्लावर्स है इसको किस तरह से बनाना है ये हम बताएंगे। देखिए पहले हमें यहाँ पे सेवन चेन बना लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन चेन ले लेंगे, लास्ट का जो चेन है यहाँ पे राउंड कर लेंगे, फिर वन टू थ्री थ्री चेन, फिर यहाँ पे वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया, फोर और एक दो चेन, यहाँ पे इसको इस तरह से जॉइंट कर लेंगे, फिर वन टू थ्री, टू डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया, फोर फाइव, हमें फाइव टाइम बनाना है। और यहाँ पे वन टू चेन लेके इस तरह से हम करेंगे, फिर वन टू थ्री, फिर दो एक चेन जो बना ये वन ये टू, थ्री फोर फाइव, फिर टू चेन यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देंगे, फिर वन टू थ्री, टू थ्री फोर फाइव, फिर टू चेन और इसको इस तरह से बंद कर लेंगे। इस तरह से फ्लावर्स को बना के कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स देखिए मैं इसको इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करूँगी आप सबको पसंद आए हैं।